इस वक्त इस खबर ने सभी को हैरान कर डाला है कि सब टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेहता साहब ने शो को छोड़ दिया है। लेकिन आखिर जिस शो से शैलेश लोढ़ा को इतना प्यार और पहचान मिली, उसी शो के इतने बड़े किरदार को उन्होंने अचानक से क्यों छोड़ दिया? जाहिर तौर पर आप भी इस खबर को सुनकर हैरान तो हुए ही होंगे और शैलेश लोढ़ा के शो से जाने की वजह को जानना चाह रहे होंगे। आपको बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई है कि शैलेश लोढ़ा बीते कई दिनों से शो की शूटिंग तक नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने शो से किनारा काफी पहले ही कर लिया है। ई टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सोर्स ने शैलेश लोढ़ा के शो को छोड़ने का कारण बताते हुए बताया कि लोढ़ा अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि उनकी डेट्स का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो नए वर्क को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर हाल ही में कई प्रोजेक्ट्स को ठुकरा दिया और इसीलिए अब शैलेश अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ऑफर को बर्बाद नहीं करना चाहते। खबरों की माने तो प्रोडक्शन हाउस शैलेश को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तारक मेहता साहब ने शो को छोड़ने का मन पूरी तरह से बना लिया है। आपको बता दें कि शो में शैलेश का अहम किरदार रहा है। वो जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी के सबसे अच्छे दोस्त का रोल करते हैं। उन्होंने शो के कथाकार के रूप में भी काम किया। इसी शो की शुरुआत से ही शैलेश शो का हिस्सा रहे हैं, जो अपने लेखक और कवि वाले अंदाज से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। हालांकि अब उनका शो से जाना फैंस के लिए एक और बड़े सदमे की तरह है। हालांकि अभी शो से जुड़े किसी भी शख्स ने शैलेश की एग्जिट पर किसी भी तरह से रिएक्ट तो नहीं किया और फैंस को मेकर्स के साथ साथ अब खुद शैलेश के स्टेटमेंट का भी इंतजार है कि आखिर वो अपनी एग्जिट की इन खबरों पर क्या कुछ कहते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। बता दें कि शैलेश से पहले नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह और दिशा वकानी भी शो को छोड़ चुके हैं, जिनके जाने से फैंस काफी शॉक्ड रह गए थे। हालांकि दिशा वकानी को छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्टार्स को तो नए स्टार्स से रिप्लेस किया जा चुका है। ऐसे में अब देखना यह है कि शैलेश की एग्जिट के बाद तारक मेहता के किरदार में किसी नए स्टार की एंट्री होती है या फिर इस किरदार को शो के ट्रैक से दूर कर दिया जाएगा या फिर मेकर्स शैलेश की नाराजगी को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइएगा अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।